Hello, class 7. The power of positive thinking is vital. IINS की वीडियो क्लासेस में आप सबका स्वागत है. तो आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो है जियोग्राफी का चैप्टर हमारा आवर चेंजिंग अर्थ. जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि वीडियो क्लासेस के माध्यम से तुम लोग अपनी किसी भी क्लास का रिवीजन कर सकते हो इजीली, इसलिए ये वीडियो क्लासेस तुम लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है और तुम लोग इस वीडियो क्लास के टच में हमेशा रहना. तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ. तो नाम से जैसे कि समझ में आ रहा है कि अर्थ में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो हम उन चेंजेस के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है. क्या तुम लोग को कोई आइडिया है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में? नहीं है, थोड़ा बहुत है, राइट. हम लोग जैसे कि जानते हैं हमारी जो धरती है वो बहुत सारे टेक्टोनिक्स प्लेट्स के ऊपर है. हम लोग जो हमारे क्रस्ट जो है उसके नीचे क्या है, बहुत सारी टेक्टोनिक्स प्लेट्स. इसके बारे में डिटेल में तुम लोग क्लास 9 में पढ़ोगे. तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स. द लिथोस्फेरिक प्लेट्स द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इंटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है? हमारा जो लिथोस्फेयर है, हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में पढ़ा था कि लिथोस्फेयर क्या होता है. द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद थिन सॉइल विच वी नोन एज लिथोस्फेयर. तो ये जो लिथोस्फेयर है ये बहुत सारी प्लेट्स में बटा हुआ है और इन प्लेट्स को ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. तुम लोग को जानकर ये ताज्जुब होगा कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं इनमें हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है, यानी ये हमेशा मूवमेंट में रहते हैं. और करीबन अगर आइडिया किया जाए तो हर साल करीबन कुछ मिलीमीटर ये प्लेट्स क्या होती रहती है, हिलती रहती है, दूर जाती है या पास आती रहती है, और ये सर्कुलर मोशन में होता है. और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी धरती के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है, गर्म तरल लावा जो है, उसके कारण ये प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होती रहती है. हम लोग ने मैग्मा का नाम सुना है, लावा, और ये वॉल्केनो इरप्शन से बाहर आ जाता है, इससे रॉक्स फॉर्मेशन होते हैं. हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है रॉक्स के बारे में. रॉक्स भी तीन तरह के होते हैं. कौन से? यस, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो लिथोस्फेरिक प्लेट हम लोग को समझ में आया. लिथोस्फेयर जो है वो कई प्लेटों में बटा हुआ है जिसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. और इन प्लेट्स में हमेशा कोई ना कोई मूवमेंट चलती रहती है, वो भी सर्कुलर मोशन में, ड्यू टू मोल्टन मैग्मा इनसाइड आवर अर्थ. अच्छा, हमारी धरती जो है उसकी दो शक्तियां हैं. फोर्सेस से तो हम शक्ति ही समझते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडो से याद रखना, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर. तो क्या है द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेस चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये जो प्लेट्स में जो मूवमेंट होती रहती है जिसके कारण हमारे अर्थ के सरफेस में कोई ना कोई बदलाव आता रहता है. The earth movement are
डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस. और ये हम इसको दो तरह के फोर्सेस के अनुरूप हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो है एक एंडोजेनिक, एक है एक्सोजेनिक फोर्स. तो एंडोजेनिक फोर्स क्या है? ये वो फोर्स है जो अर्थ के अंदर काम करती, इंटीरियर में काम करती है. द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो धरती के अंदर काम करती है जो फोर्स, वो कहलाती है एंडोजेनिक फोर्स. क्या कहलाती है? एंडोजेनिक फोर्स. और जो धरती के बाहर काम करती है वो कहलाती है, वो कहलाता है एक्सोजेनिक फोर्स. द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स. अच्छा बताओ तो अर्थक्वेक यानी भूकंप एक्सोजेनिक का एग्जाम्पल हुआ या एंडोजेनिक का? एंडोजेनिक. ओके सही कहा तुम लोगों ने, एंडोजेनिक. क्योंकि अर्थक्वेक क्यों होता है? हमारे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक होता है. और ये क्या क्यों होता है? अंदर जो मोल्टन मैग्मा मूवमेंट कर रहा होता है. तो जैसे अर्थक्वेक का आना, देन वॉल्केनो इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी का फूट जाना, ये सब एंडोजेनिक फोर्सेस है. और एक्सोजेनिक फोर्सेस की अगर हम बात करें तो जैसे कि नदी का बहना, हवा का चलना, ये भी तो फोर्स है ना. सी वेव्स, समुद्री जो वेव्स है, देन ग्लेशियर्स, ये सब, इन सब में क्या काम करता है? एक्सोजेनिक फोर्स काम करता है. हम लोग यहां पर एक पिक्चर देख रहे हैं, वॉल्केनो वेंट. वेंट मतलब वो जो इसका जो मुंह है उसको वेंट कहते हैं. ये एक एकदम एक्टिव वॉल्केनो का पिक्चर मैंने तुम लोग के सामने डिस्प्ले किया है. तो चलो हम लोग जानते हैं वॉल्केनो के बारे में. इट इज द वेंट इन द अर्थ क्रस्ट. ये एक असल में एक ही खुला हुआ मुंह है धरती के सरफेस पर, अर्थ के क्रस्ट में. हम लोग क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं. ये एक छेद बोल सकते हो या एक गड्ढा बोल सकते हो, एक खुला हुआ मुंह बोल सकते हो अर्थ के सरफेस में, थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, जिससे अचानक से गरम मोल्टन मैग्मा या लावा बाहर निकल के आ जाता है, वही कहलाता है क्या? वॉल्केनो. ठीक है. अच्छा इसका रिलेशन अर्थक्वेक से भी है, हम लोग जानते हैं. ओके चलो जान लेते हैं. When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. हम लोग जानते हैं कि जब lithospheric plates move करती हैं, ये plates ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे move करती हैं, और जब ये move करती है, जब इनकी movement की frequency ज्यादा हो जाती है तब vibration ज्यादा होता है. जैसे अभी जो तुम लोग बैठे हुए हो, अभी भी lithospheric plate भी तो move करे लेकिन हमको पता नहीं चल रहा. लेकिन जब ये movement थोड़ा ज्यादा हो जाता है तब क्या हो जाता है? तब आ जाता है भूकंप यानी अर्थक्वेक. द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ. और जहां से जब भूकंप आता है उस एक वाइब्रेशन, एक तरंग पैदा होती है जो चारों तरफ ट्रेवल करती है. दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक. और इन वाइब्रेशन, इन तरंगों को ही कहते हैं क्या? अर्थक्वेक, जो बहुत डिस्ट्रक्शन लेके आती है, हम लोग जानते हैं. तो ये जो तुम लोगों ने जाना कि किस तरह वॉल्केनो क्या होता है, एक खुला हुआ मुंह है अर्थ के सरफेस में जिससे मोल्टन मैग्मा बाहर निकल के आ जाता है, और अर्थक्वेक क्या है, हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स में हमेशा मूवमेंट होती रहती है, लेकिन ये मूवमेंट जब ज्यादा हो जाती है तब वहां से, जहां से हो रही है वहां से तरंगे पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है जो हर तरफ ट्रैवल करती हैं, और जहां जहां तक ये ट्रैवल करती है वहां वहां बहुत डिस्ट्रक्शन, बहुत तबाही लेकर आती है, और इसी का नाम है भूकंप या अर्थक्वेक. ये देखो ये पिक्चर है वॉल्केनो का, यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, ये वेंट है, मुंह है, और ये है चैम्बर, मैग्मा चैम्बर. अगर तुम लोग को ठीक से दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे मोल्टन मैग्मा हमेशा उबलता रहता है और एक फोर्स के थ्रू ये बाहर आता है. जब ये बाहर आता है, तुम लोगों ने कभी अगर देखा हो कि जब
वॉल्केनो इरप्शन होता है तब मैग्मा तो बाहर आता ही है, बहुत सारी राख, राख मीन्स एश, एकदम काली काली, वो चारों तरफ, मतलब ऐसा लगता है कोई एटम बम फटाओ, चारों तरफ काली काली राख फैल जाती है हवा में हर तरफ, और आसपास जो घर बार होते हैं वो सब तबाह हो जाते हैं। इवन इफ इस राख में, मैग्मा तो चलो दूर की बात है, राख में दब के लोग मर जाते हैं, इतनी राख निकल के आती है और चारों तरफ बादलों में, चारों मतलब पूरे एनवायरमेंट में छा जाती है। तो ये एक पिक्चर मैंने तुम लोगों के सामने डिस्प्ले किया, वॉल्केनो। ओके, अच्छा, हम लोगों ने, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया तुम लोगों को कि एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। ये जो एंडोजेनिक फोर्स का एग्जांपल क्या, अर्थक्वेक है। एंडो मतलब अंदर, ये अंदर होता है धरती के अंदर, तो ये अचानक मूवमेंट लेके आता है, एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, और कभी कभी स्लो मूवमेंट। जब ये सडन मूवमेंट होता है तब ये क्या होता है, सडन मीन्स अचानक से, जब ये मूवमेंट ज्यादा होता है तब ये अर्थक्वेक बन जाता है। एंड वॉल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन, और जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि वॉल्केनो भी जब इरप्शन होता है तो बहुत डिस्ट्रक्शन, बहुत तबाही होती है। हम लोग जानते हैं क्या है, ये है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक मशीन है जिसके थ्रू अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जा सकता है। तुम लोग यहाँ पे एक स्विच, एक नीडल जैसी देख रहे हो जो हमेशा रीडिंग लेती रहती है, और ये वो रीडिंग है। देखो यहाँ पर ये रीडिंग कम थी, यानी कि यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमेशा चलती रहती है, ये रीडिंग हमेशा चलती रहती है, लेकिन जब ये रीडिंग ज्यादा रीड मतलब दिखाई देती है तभी उससे मापा जाता है कि वो रिक्टर स्केल पे कितनी किस तरह से आया था अर्थक्वेक। ठीक है, तो समझो रिक्टर स्केल पे अगर 2-3 समथिंग हो, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, जैसे कि तुम लोग कपड़ा किससे मापते हो, मिली मतलब मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है ना, तो ये सिस्मोग्राफ के थ्रू रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। और इसमें समझो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो अगर 6 या 7 आ जाए तभी तबाही होती है, या 8 तक भी आ जाए तो भयंकर तबाही होती, कुछ नहीं बचेगा। तो याद रखना सिस्मोग्राफ वो मशीन है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर कर सकते हैं। देखो ये एक पिक्चर है जो अर्थक्वेक से हुई तबाही का एक नमूना तुम लोग के सामने है। हम लोग जानते हैं हमारे भारत में 2001 26 जनवरी के दिन गुजरात में बहुत भयंकर भूकंप आया था, और इसके झटके कई राज्यों में फील किए गए थे, हम लोगों ने भी फील किया था, तब मैं बहुत छोटी थी। और रिसेंटली जो आया था भयंकर वो 2015 के 25 अप्रैल में नेपाल में आया था, वो भारत में नहीं, लेकिन उसके झटके भारत में भी, इवन इफ त्रिपुरा में भी फील किए गए थे। तो और वो बहुत हाई मैग्नीट्यूड का था, ठीक है, करीबन 7 अबव था वो, और जिसके कारण नेपाल में भारी तबाही हुई, नेपाल कहने को पूरा साफ हो गया। खैर, तो चलो नेक्स्ट हम जो समझेंगे वो है फोकस एंड एपिसेंटर। क्या होता है फोकस और क्या होता है एपिसेंटर? द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। अर्थ के क्रस्ट में जहां से मूवमेंट शुरू होती है, वो सडन मूवमेंट, लिथोस्फेरिक प्लेट्स की सडन मूवमेंट जहां से शुरू होती है उसे फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। समझो यहां से मूवमेंट शुरू हुई और ये ट्रेवल करते करते यहां तक आई है, यहां पर, तो ये हुआ एपिसेंटर, और ये था जहां से शुरू हुई थी फोकस। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। मैंने जैसे कि बोला ये तरंगों की तरह ट्रैवल करती हुई आती है अर्थक्वेक की जो वेव्स है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर।
ज्यादा तबाही कहाँ होती है? जहाँ एपिसेंटर, एपिसेंटर के आसपास तबाही सबसे ज्यादा होती है, और एपिसेंटर के दूर के इलाकों में तबाही, यानी कि देखो तुम लोगों ने, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कैसे। समझो एक तालाब के किनारे तुम बैठे हुए हो और तुम एक पत्थर का टुकड़ा उस पानी पे मारना, वो जो शांत पानी होता तालाब का, तब देखोगे बहुत सारी तरंगे इस तरह से ट्रेवल करती हुई फिर धीरे धीरे घुल मिल जाती है उस पानी में। एकदम अर्थक्वेक की जो वेव्स है वो भी इस तरह से ही ट्रेवल करती है। जहां पे तुमने पत्थर मारा वो था फोकस, और जब वो ट्रेवल करते हुए कुछ तरंगे गई वो आ जाता है एपिसेंटर, और फिर में जाते जाते ये अचानक खत्म हो जाती है, तो वहां पे मास डिस्ट्रक्शन बहुत कम होता है। और देखो मैं एक बात बता दूं कि कई लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि अर्थक्वेक को उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, उसके बारे में कोई बता नहीं सकता कि अर्थक्वेक कब आएगा या अर्थक्वेक कल आने वाला है। क्योंकि जैसे कि हम लोग मौसम की जानकारी लेते हैं, जैसे कि हम लोग ये जान लेते हैं कि तूफान कब आने वाला है, उसके बारिश कब कब होगी, ये हमें भले ही पता चल जाता है, लेकिन अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। अब तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है, साइंटिस्ट लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ निकल कर नहीं आ पाया है कि ये पता लगाया जा सके कि अर्थक्वेक कब आएगा। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा कहे कि कल अर्थक्वेक आने वाला है, तो गलती से भी इस बात पर विश्वास मत करो। और हम लोगों ने, तुम लोग शायद ये जानते हो या मे भी जानते हो कि अर्थक्वेक की जो ये वेव्स जो ट्रैवल करके आती है, हमें इसके बारे में पता बहुत देर में चलता है, जब तबाही हो जाती है या अर्थक्वेक जब आकर चला जाता है, मतलब अर्थक्वेक आया था। लेकिन अर्थक्वेक की जब वेव्स जब ट्रैवल करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो जिसका पता जानवरों को लग जाता है, जिसके कारण जानवर अर्थक्वेक के आने से पहले ही सेफ जगह पर चले जाते हैं। इसके बारे में तुम लोग क्लास 8 में एक इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ोगे, ओके? तो फोकस और एपिसेंटर तुम लोग को समझ में आया? आया? ओके। देखो ये एक पिक्चर है, यहां से तरंगे यानी कि शुरुआत हुई, ठीक है, वो तरंगे जा रही है, ये है एपिसेंटर, ठीक इसके अबव पार्ट में, ठीक है, ये एपिसेंटर, ये तो धरती के अंदर का है, ये है क्रस्ट, ठीक है, जहां पे बिल्डिंग बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट, लिथोस्फीयर जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ पर तरंगे जो ट्रेवल की, देखो अंदर तो अब बिल्डिंग तो होती नहीं है, तो यहाँ पे उतना मास डिस्ट्रक्शन होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन ये जब तरंगे ट्रेवल करके जब धरती के ऊपर आती है तो वहां के आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही होती है, और जितना तुम एपिसेंटर से दूर चले जाओगे वहां पे तबाही कम हो जाती है। अच्छा, क्या तुम लोगों को पता है कि अर्थक्वेक के तीन तरह की वेव्स होती है? ये जिस तरह से ट्रेवल करके आती है, पी वेव जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है, एस वेव जिसको ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है, और एल वेव्स जिसको सरफेस वेव्स कहा जाता है। ये वो तीन तरह की वेव्स हैं जो अर्थक्वेक किसी भी एक रूप में ट्रेवल करके आती है। नाउ अब जो चैप्टर है वो थोड़ा सा अलग है, ये अर्थक्वेक वॉल्केनो से थोड़ा हटके है, अब ये थोड़ा हम लोग नेचुरल व्यू में चले जाते हैं, वो है मेजर लैंडफॉर्म्स। द लैंडस्केप्स आर कंटिन्यूअसली worn away by two forces, weathering and erosions. हम लोग जो आसपास पहाड़ देख रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, डेजर्ट देख रहे हैं, कितना कुछ प्लेट्यू देख रहे हैं, ये सब शायद एक समय ऐसा नहीं था और शायद आज जैसा है, ये कुछ बहुत सारे साल, मतलब बहुत से साल बीत जाने के बाद शायद ये वैसा ना रहे एग्जैक्ट। तो यानी कि ये जो लैंडस्केप्स है जो हम अपने आसपास जो व्यू देखते हैं, सीनरियो देखते हैं, इसमें बदलाव आता रहता है, और इसको बदलाव करने वाले दो शक्तियां हैं, पहला है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन।
ठीक है, चलो जानते हैं वेदरिंग क्या है। वेदरिंग देखो इसकी स्पेलिंग जो है वो वेदर जैसी ही, इसमें आईएनजी लग गया है। ओके, तो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। ये बहुत सिंपल है, वेदरिंग का मतलब है चट्टानों का टूट जाना, टूट के बिखर जाना अर्थ के सरफेस पर। और टूट के बिखर के कभी कभी ये इतने टूटते 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 कभी कभी ये बालू बन जाते हैं, सैंड बन जाते हैं। तो इरोजन, वेदरिंग क्या है? अर्थ के सरफेस पर चट्टानों का टूट जाना। तो इरोजन क्या है? इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, वेन एंड आइस। तुम लोग जो बाहर जो समझो, तुम अपने खिड़की से बाहर जब झांकते हो बहुत सुंदर सा एक तुम्हें पहाड़ दिखाई देता है, उसके आसपास बहुत सुंदर नदी है, तो ये सब जो है इरोजन के थ्रू ये लैंडस्केप बदल सकता है। लेकिन ये अचानक नहीं बदलता है, इसके लिए बहुत से साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं। और ये जो बदलता है इस ये तीन एजेंट के मदद से बदलता है। एजेंट, पहला एजेंट है पानी यानी वाटर, दूसरा एजेंट है विंड यानी हवा, तीसरा एजेंट है आइस यानी बर्फ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ पानी के कारण भी तो लैंडस्केप बदल जाता है। अब समझो तुम लोग गांव में रहते हो, ठीक है, वहां पे आराम से खेती बाड़ी करके रह रहे हो, अचानक वहां पर बाढ़ आ गई, बहुत भयंकर बाढ़। तो जब वो बाढ़ का पानी सूख जाएगा या चला जाएगा, तब क्या लगता है वो पहले वाला लैंडस्केप रहेगा? नहीं रहेगा। तुम देखोगे शायद जहां पे तुम लोग का खेलने का मैदान था, आज वहां पे एक मिट्टी का टीला बन गया है, क्योंकि नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, कंकड़, सैंड लेके आती है और उसको जमा कर देती है। तो हो गया ना चेंज। तो इसमें एजेंट कौन था चेंज करने वाला? यस, वाटर। वाटर ने उस सिनेरियो को, उस लैंडस्केप को चेंज कर दिया। इस तरह से हवा भी किस तरह से चेंज करती है हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। उसके बाद आइस, बर्फ भी, जैसे कि कश्मीर में डल लेक हम लोगों ने सुना है, बहुत ही सुंदर जगह है और वहां पे टूरिस्ट हमेशा हमेशा विजिट करते हैं, बाहर बाहर से देखने आते हैं। तो डल लेक पहले कश्मीर में उतना क्या बोलते हैं, उसमें हमेशा पानी रहता था, लोग उसमें नाव चलाते थे, लेकिन कुछ सालों पहले की बात है, वहां पे इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि डल लेक सर्दियों के दिनों में बर्फ बन जाता है और वो लेक नहीं रहता, तब उस पे लोग स्केटिंग करते हैं। तो ये जो उस झील का इस तरह से आइस में चेंज हो जाना, ये भी तो एक सिनेरियो का चेंज हो जाना हुआ। तो इरोजन यानी कि इरोजन में है कि तुम्हारा जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप का चेंज हो जाना और डिफरेंट एजेंट के माध्यम से, वो एजेंट पानी भी हो सकता है, वो हवा भी हो सकता है, या फिर वो बर्फ भी हो सकती है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं नदी के बारे में ही थोड़ा। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, वेन एक्सेट्रा। हम लोग जानते हैं नदी या पानी अपने साथ बाहर कर क्या लाता है? बहुत सारी मिट्टी, कंकड़, चट्टान के छोटे मोटे टुकड़े। हवा अपने साथ क्या ले आती है? बहुत सारा सैंड ले आती है, पत्ते, मतलब बहुत कुछ हवा अपने साथ, तेज हवा अपने साथ उड़ा के बहुत कुछ ले जाती है और जहां पर जाके रुकती है वहां पे इन सबको जाके डाल देती है, जमा कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म। और यही पानी और ये जो हवा जो कांड करते हैं ना, ये जो ले जाके एक जगह से दूसरी जगह में डिपॉजिट कर देना, तो उनके डिपॉजिट इस तरह से कर देने से उस जगह का लैंडस्केप ही बदल जाता है, उसका उस जगह का सीन ही बदल जाता है। ओके, देखो वेदरिंग का ये एक एग्जांपल है, क्या आइडिया लगा सकते हो? ये चट्टान का टुकड़ा शायद पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पे पूरी चट्टान शायद भरी हुई थी, तो लेकिन हवा के कारण, हवा ने इतनी तेज तेज इसमें वार किया कि यहाँ पे बीच में क्या हो गया, होल हो गया। तो यहाँ पे एजेंट कौन था? विंड थी। विंड ने क्या किया, इस चट्टान का सीन ही, इस एरिया का सीन ही बदल दिया। तो ये वेदरिंग के एक एग्जांपल है, जो चट्टान तुम लोग देख रहे हो पानी, सॉरी हवा के कारण यानी विंड के कारण उसका सीन
चेंज हो गया। नेक्स्ट देखो इरोजन, ये जो तुम लोग देख रहे हो एक पहाड़ से बहुत सारे छोटे छोटे पौधे पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, शायद यहाँ पे कभी कोई फ्लैट ग्राउंड रहा हो और नदी कह सकते हो, नदी अपने साथ बहुत कुछ बहा के लाई हो, सेडिमेंट्स वगैरह, और उसमें सब कुछ डिपॉजिट कर दिया, जिसके कारण ये एक ऊंचा सा हल्का सा ऊंचा सा पहाड़ यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते एजेंट वाटर है। वाटरफॉल हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ऊपर से पानी का एक स्टीप जगह से डाउन की तरफ गिरना। क्या पता है दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो एंगल फॉल, और एंगल वाटरफॉल वो वेनेजुएला में है, बहुत ही खूबसूरत। वर्क ऑफ अ रिवर, एक नदी का काम। When the river tumbles at a steep angle over hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. जब एक नदी क्या करती है, चलती हुई आकर एक एंगल से, एक ऊंची जगह से चट्टान के वो नीचे गिरती है, तब वो क्या बन जाता है, वॉटरफॉल बन जाता है। As the river enters the plain, और तुम लोगों ने नदी की कहानी सुनी होगी, नदी पहाड़ों से होती हुई बड़ी उछलती हुई कूदती हुई स्पीड में आती है, जैसे ही वो फ्लैट एरिया में आती है उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वो फैल जाती है। तो नदी जब भी प्लेन एरिया में एंटर करती है वो ट्विस्ट होती है, टर्न होती है, इस तरह से मुड़ती है, इधर से मुड़ती हुई जाती है, फॉर्मिंग लार्ज बेंड। जब वो इस तरह से टर्न लेती है कहीं पे, वो क्या बन जाता है, बेंड बन जाता है, और उस बेंड को कहा जाता है मीएंडर। जैसे कि मैं तुम लोग ये देखो, ये मीएंडर, जैसे नदी वहां से आई है, वहां से देखो आती हुई इसने एक टर्न लिया, टर्न लेके फिर टर्न लेके वो चली गई, ये एक मीएंडर बन रहा है। और मीएंडर से ही क्या बनता है, मीएंडर से बनता है धीरे धीरे ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मीएंडर लुक कट ऑफ फ्रॉम रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ कॉल्ड ऑक्सबो लेक। जब ये जो मीएंडर है, तुम लोग देख रहे हो ये मीएंडर क्या है, धीरे धीरे पानी, ये जो जमीन का जो टुकड़ा है वो पानी से कवर होता जाता है, और ये धीरे धीरे मेन नदी की धारा से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद जो एक एरिया बन जाता है पानी का वो ऑक्सबो लेक कहलाता है। जैसे कि ये देखो, मैं इस एग्जांपल के थ्रू तुम लोग को इजीली समझा पाऊंगी। समझो ये नदी है, वहां से बहती हुई आई और अपने साथ कंकड़ पत्थर वगैरह बहुत कुछ जमा कर रही है और फिर टर्न होके चली गई। इनको ये एक दो दिन या एक दो साल में नहीं होते, इनको होने में बहुत साल लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे मान लो ये बह रही है, बह रही है अपने साथ, इसके दोनों तरफ से कंकड़ पत्थर धीरे धीरे जमा होते जा रहे हैं, ठीक है। और एक समय आया कि जब ये एक साथ डायरेक्ट फ्लो हो गए और ये पार्ट उससे अलग हो गया, और यही कहलाया ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो तुम लोग को दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर, ओके ये वाला दिखाई दे रहा है तो ठीक है, तो ये कहलाता है ऑक्सबो लेक। ये देखो ऑक्सबो लेक का एक एग्जांपल, ये देखो नदी टर्न हुई, कभी शायद ये इसका ही पार्ट थी, लेकिन वो कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह जलते जलते इस ये पार्ट अलग हो गया और नदी ये यहाँ पे सेपरेटली बह रही है, और इसी को कहा जाता है ऑक्सबो लेक। ड्यूरिंग फ्लडिंग द रिवर डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक। जब नदी बहती हुई आती है अपने साथ, जैसे कि मैंने कहा, अपने साथ मिट्टी वगैरह, सेडिमेंट्स वगैरह, मिट्टी कंकड़ पत्थर बहुत कुछ लाकर वो अपने साइड के एरिया में यानी किनारों में जमा करती हुई जाती है, एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल प्लेन। और इसी से ही क्या बनता है, वो जो जमा करती हुई जाती है वो एरिया, नदी के किनारे वाला एरिया क्या बन जाता है, प्लेन एरिया, जिसको फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। फ्लड क्यों, क्योंकि नदी अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आती है, और प्लेन मतलब पानी के साथ साथ सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें क्या होता है, मिट्टी कंकड़ पत्थर वगैरह होता है जो साइड में किनारों में जमा होते जाते हैं, और वो नदी के किनारे वाले इलाके कहलाते हैं फ्लड प्लेन्स। और तुम लोगों ने देखा होगा, कभी देखना अगर तुम्हारे घर के आसपास नदी हो, नदी के साइड वाले इलाके थोड़े ऊंचे होते हैं, क्योंकि है ना, नदी के देखना किनारे ऊंचे होते हैं क्योंकि वहां पे मिट्टी पत्थर कंकड़ वगैरह जमा होते होते वो एरिया थोड़ा क्या हो जाता है, रेस्ट हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। नाउ लीव्स,
अच्छा, एज द रिवर, ये जो मैं बता दूं, ये जो मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नदी के किनारे वाले इलाके जो ऊंचे हो जाते हैं, इनको ही लीव्स कहा जाता है. ठीक है, ये लीव्स का एक एग्जांपल समझो. ये नदी है, देखना इसके सामने साइड में जो मिट्टी वाले इलाके, ये नदी से थोड़े ऊंचे हैं, नदी से थोड़े ऊंचे होते हैं. ये यहाँ पे लोग घर बना के भी रहते हैं, है ना. नदी के किनारे इलाके सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, हमने ही पढ़ा है. नाउ डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा? As the river approaches the sea, the speed of the river begins to break up into number of streams called distributaries. जैसे ही नदी बहती हुई समंदर से मिलने जाती है, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है और वो कई ब्रांचेस में बढ़ जाती है और उसकी वो ब्रांचेस ही कहलाती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. ओके, द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड. और वो नदी जब समंदर से मिलने, हम लोग जानते हैं हर नदी समंदर से जाके मिल जाती है, तो नदी जब समंदर से मिलने जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, पहली बात. दूसरी बात, वो अपने साथ लाए हुए मिट्टी कंकड़ वगैरह सब साइड में जमा कर देती है. ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ एंड फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस. और हर डिस्ट्रीब्यूटरी यानी नदी के जो बाकी ब्रांचेस होते हैं वो क्या करते हैं, उनका अपना अलग मुंह होता है और वो वहां से वो अलग धारा में बहते रहते हैं. द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा. तो देखो, मेन एक नदी थी, इसके साथ और भी उसके ब्रांचेस निकल आए, वो बन गए डिस्ट्रीब्यूटरीज. जैसे यहाँ पे एक नदी दिखाई दे रही है तुम लोगों को, और उसके साइड में देखो, ये प्लेन से जाते हुए तुम बहुत अच्छा व्यू देख पाओगे. उसके साइड से बहुत सारे ब्रांचेस निकल आए और ये ब्रांचेस भी तो अपने साथ क्या लाते हैं, मिट्टी कंकड़ सेडिमेंट्स वगैरह, और उसको जमा करते जाते हैं. और ये सारे ब्रांच जब ये नदी समंदर से मिलने जा रहे होते हैं, तब उनके ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज के मुंह से निकला हुआ, उसके साइड में जमा हुआ ये कंकड़ पत्थर सेडिमेंट्स वगैरह उस एरिया को डेल्टा एरिया बना देता है, वो कहलाता है डेल्टा. ये बहुत ही कीचड़ वाला इलाका होता है और वहां पे वेजिटेशन बहुत अच्छी होती है, यानी कि वहां पे पेड़ पौधे वगैरह, बहुत तरह की वनस्पति यानी पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं डेल्टा एरिया में. जैसे सुंदरबन पश्चिम बंगाल में क्या है, डेल्टा है, डेल्टा एरिया. ओके, नाउ समुद्र यानी समंदर का क्या काम है, उसके वेव्स क्या क्या करती है. द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स. समंदर भी तो अपने साथ बहुत कुछ लाता है और उसको किनारे में फेंक देता है, और इसी से ही समंदर के कोस्टल एरिया बनते हैं, यानी समुद्री तट कोस्टल एरिया बनते हैं. ड्यू टू सी वेव्स हॉलो लाइक केव्स एंड फॉर्म्स ऑन द रॉक्स दे आर कॉल्ड सी केव्स. तुम लोगों ने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, फिल्मों के शूटिंग में, कि रिसेंटली एक फिल्म आई थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहां पे एक हीरोइन एक समंदर किनारे नाच रही होती है और उसके साइड में बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं और उन चट्टानों के अंदर ऐसा रहता है गुफा है. तुम लोगों ने देखा होगा अगर, तो इन्हीं को कहते हैं सी केव्स. केव्स मतलब गुफा, तो समंदरी गुफा. ये क्या होता है, असल में वो गुफा पहले शायद गुफा नहीं थी, वो बाय एजेंट इरोजन के थ्रू क्या बन गई, गुफा बन गई. कैसे समझो, वो कभी चट्टान थी, समंदर किनारे कोई चट्टान थी और पानी के धक्का, पानी का धक्का लगते 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 पानी के फोर्स से वहां पे क्या हो गया, वो जगह घिसने लगा, घिस के टूट टूट के पानी में गिरने लगा और बाद में वो अंदर हॉलो स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि अंदर क्या हो गया, गड्ढा हो गया, जो कहलाया सी केव्स. ये देखो, ये एक सी केव्स का उदाहरण है, दिखाई दे रहा है समंदर किनारे, देखो अंदर एक गुफा जैसी है, थोड़ी ना इसमें लोग रहते हैं. ये क्या है, पानी के झटके से ये, इसको होने में बहुत साल लग गए. ठीक है, ये सिर्फ सी केव बना है. और ये तो भाई आजकल फिल्मों में ये सब बहुत दिखाया जाता है, बहुत सुंदर सुंदर फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती है इन सब जगहों में, और भी हम देखेंगे. तो तुम लोग को क्लास समझ में आ रही है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत ही समझने में इजी भी है. इसको किसी भी क्लास को देखो तुम इजीली लो तो वो इजी ही लगती है, अगर तुम उसको टफ समझोगे तो वो टफ लगेगी. लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है जियोग्राफी का तुम लोगों का. तो सी केव्स समझ में आया. तो एज कैविटीज बिकम बिगर, अच्छा ये जो सी केव्स है, पानी में झटका देना थोड़ी ना कम किया, वो और भी अंदर तक घुस के झटका दे रहा है,
और झटका देते 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 एक समय ऐसा आता है जब वो क्या हो जाता है, वो आर पार, यानी कि उधर की चट्टान भी क्या हो जाती है, टूट टूट के धीरे धीरे बिखर के पानी में गिरने लगती है और वो पूरा अंदर एक गड्ढा बन जाता है और आर पार दिखने वाला एक दरवाजा जैसा बन जाता है उन चट्टानों पर। इन्हीं को कहा जाता है सी आर्क्स। जैसे कि ये देखो सी आर्क्स, तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सी फिल्मों की शूटिंग में ये सब दिखाया जाता है। ये देखो शायद ये पहले पूरा भरा हुआ चट्टान था लेकिन पानी के थपेड़े पड़ने के कारण ये क्या हो गया, हॉलो, मतलब ये पूरे दोनों तरफ से ये खाली हो गया, यहाँ के चट्टान बीच की टूट टूट के बिखर के समंदर में मिल गई और ये गेट जैसा बन गया। तो आर्क इसे क्यों कहा गया, ये एक आर्क स्ट्रक्चर में है इसलिए इसको सी आर्क्स कहा जाता है। द इरोजन फर्दर ब्रेक्स, अच्छा ये किस, ये कौन से प्रोसेस के थ्रू हुआ, इरोजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और इसका एजेंट क्या था, वॉटर था, ठीक है, एयर नहीं। नाउ इरोजन फर्दर ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। तुम लोगों ने अभी जो ये पिक्चर देखी, मैंने जैसे कि कहा पानी के थपेड़े पड़ना तो बंद नहीं होंगे, तो पानी के थपेड़े पड़ते जा रहे, एक समय ऐसा आता है कि ये छत, ये जो छत है ये चट्टान की छत नहीं रहती, सिर्फ चट्टान के टुकड़े टुकड़े खड़े रह जाते हैं और इन्हीं को कहा जाता है सी स्टैक्स। ये देखो दिखाई दे रहा है, ये सी स्टैक्स है, शायद ही कभी एक साथ थे लेकिन पानी के, पानी एजेंट के कारण इरोजन हुआ और इसका लैंडस्केप चेंज हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सी क्लिफ के बारे में। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वॉटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। तुम लोगों ने ये देखो समुद्र के किनारों में ऐसे बहुत से चट्टान वाले पहाड़ देखोगे जो सीधे खड़े रहते हैं पानी के अपोजिट पे ऊंचाई पर, इनको कहा जाता है सी क्लिफ। यहाँ पर भी बहुत लोग घूमने आना पसंद करते हैं, इन सब जगहों में बहुत ही सुंदर व्यू होता है, तो दिस इज कॉल्ड सी क्लिफ। ये जो चट्टान लाइक स्ट्रक्चर जो सीधे खड़े हो रखे हैं समुद्र के अपोजिट, इन्हें कहा जाता है सी क्लिफ। अच्छा अब हम लोग जानेंगे द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। और मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया कि सब जैसे नदियां अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाते, समंदर भी अपने साथ बहुत कुछ लाते हैं और उनको किनारों में जमा कर देते हैं, जिसके कारण कोस्टल एरिया यानी समुद्री तटीय इलाका बनता है, जहां पर बहुत से लोग रहते हैं तटीय इलाकों में। लेकिन तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को ही डर होता है, कभी कभी समुद्री तूफान जब आता है तब तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को ही सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है, बहुत तबाही होती है उन लोगों की। तुम लोगों ने अक्सर न्यूज में भी सुना होगा कि समुद्री तूफान आने वाला है और जिसके कारण तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान कर दिया गया है, उन्हें कह दिया गया है कि वो एरिया छोड़कर वहां से चले जाएं। ओके, क्लास तो समझ में आ रही है, अब हम लोग लगभग एंड में आ गए हैं। वर्क ऑफ आइस, तो आइस भी तो एक एजेंट है, हमने एक एजेंट अभी खत्म किया और दो एजेंट बाकी है। ग्लेशियर्स, हम लोग जानते हैं ग्लेशियर्स क्या है, ग्लेशियर्स क्या है, आर रिवर्स ऑफ आइस, नदियों के क्या है ये, रिवर्स ऑफ आइस यानी कि बर्फ की नदियां, मोटी मोटी बर्फ की नदियां, विच इरोडेड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो। और वो अक्सर क्या होती है, चट्टानों के ऊपर भी जमा हो रखी होती है बहुत सारी ये जो बर्फ मोटी मोटी, तुम लोगों ने फिल्मों की शूटिंग में देखा होगा ग्लेशियर्स में, लोग रिसेंटली शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी वो समथिंग, उसमें एक गाना था गेरुआ गेरुआ, उसमें एक जगह जहाँ पे ग्लेशियर में फिल्माया गया है और वो सचमुच ग्लेशियर में फिल्माया गया, वो कोई यू नो सेट नहीं था। तो वहां पे तुम लोगों ने देखा होगा मोटे मोटे ग्लेशियर्स के ऊपर वो लोग खड़े होके नाच रहे हैं गा रहे हैं, और कितनी कड़ाके की ठंड जो उन लोगों को लगी होगी ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो ग्लेशियर्स यूजुअली क्या होते हैं, वो होते हैं बर्फ की मोटी मोटी जो तुम लोग देख पाते हैं बर्फ की नदियां जो चट्टान के ऊपर बिछी होती है, नदी के ऊपर बिछी हुई होती है।
इनके नीचे पानी भी होता है, ठंडा पानी, ठीक है। अब कभी कभी कोई जगह ऐसी होती है जो पूरी तरह की बर्फ से जमी हुई होती है। द मटेरियल कैरिड बाई ग्लेशियर सच एज बिग एंड स्मॉल रॉक्स एंड सिल्ट्स गेट डिपॉजिटेड। दीज डिपॉजिट फॉर्म्स ग्लेशियर मोरेन्स। जैसे कि हमने नदियों के बारे में जाना, समंदर के बारे में जाना, वो लोग अपने साथ बहुत कुछ बहा कर लाते हैं और उसको किनारे में जमा कर देते हैं। ग्लेशियर भी तो लाता है, ग्लेशियर के में भी पानी में क्या जमा होता है, उसके पानी में कहो उसके बर्फ में भी मिट्टी के टुकड़े, चट्टान के छोटे मोटे टुकड़े, वो सब भी क्या होते हैं, वो भी साइड में ग्लेशियर्स के साइड में जमा हो जाते हैं और ये बनाते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। देखो ये ग्लेशियर का पिक्चर है ना, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। माइनस में रहता है टेम्परेचर हम लोग जैसे कि जानते हैं। ये ग्लेशियर मोरेन्स है, देखो बर्फ की नदी और इसके साइड में उसने जो जमा करके रख दिए हैं सेडिमेंट्स वगैरह, तो ये कहलाते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। यस नाउ अब हवा का क्या काम, हमने आइस का काम पढ़ा, पानी का काम पढ़ा, हवा का, हवा भी तो एजेंट है इरोजन में। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इज ऑल्सो वी कैन से दैट इज विंड, हवा। इट मेक्स रॉक्स इन शेप ऑफ अ मशरूम। हवा, कई कई ऐसे देश जहां पे हमेशा तेज, जैसे नीदरलैंड वगैरह देशों में हमेशा तेज हवा बहती रहती है और ये हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कभी कभी चट्टान को भी यू नो थपेड़े मारते 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 उसका चेहरा ही बदल देती है, यानी चट्टान का लैंडस्केप चेंज हो जाता है। एजेंट कौन होता है, हवा। और चट्टान कभी कभी मशरूम लाइक स्ट्रक्चर में बन जाती है, उन्हें मशरूम रॉक्स कहा जाता है। वो ऊपर से एकदम मशरूम जैसी होती है, नीचे से थोड़ी पतली, नीचे से पतली क्यों, क्योंकि हवा ने आके नीचे ज्यादा क्या किया, धक्का लगाया, प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, तो उनको मशरूम रॉक्स कहा जाता है। व्हेन द विंड स्टॉप ब्लोइंग द सैंड। अब हम लोग सैंड ड्यून्स नाम तुम लोगों ने सुना होगा, तुम लोगों ने अगर उसे क्या बोलते हैं रेगिस्तान का कोई चित्र देखा हो तो देखा होगा, बट डिजाइन से ऐसे ऐसे सांप जैसे स्ट्रक्चर में सैंड्स पड़े रहते हैं, इन्हें कहते हैं सैंड ड्यून्स। हवा क्या करती है, सैंड को उड़ा के ले जाती है एक जगह से और दूसरी जगह जाके हाई एरिया से लाके लो हिल एरिया में, यानी कि थोड़ी निचली जगह में हवा गिरा देती है और वहां पे वो डिजाइन से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। ये हम लोग रेगिस्तान में ये सीन हमें देखने को मिलता है। ये देखो मशरूम रॉक, ये है मशरूम रॉक का चित्र। देखो नीचे से देखो पतला हो गया हवा के प्रेशर के कारण और ऊपर से देखो चेहरा उसका ऐसा कैसा मोटा सा हो रखा है ना, तो ये है मशरूम रॉक का उदाहरण। ये देखो सैंड ड्यून्स, तुम लोगों ने रेगिस्तान में ये चित्र देखे होंगे, ऐसा व्यू देखा होगा कभी रेगिस्तान अगर घूमने गए हो या फिल्मों में तो देखा ही होगा। ये क्या होता है, हाई एरिया से जब हवा सैंड को उड़ा के लो हिल एरिया में लाकर गिरा देती है तो ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं जिनको सैंड ड्यून्स कहते हैं। नाउ लोएस्ट, लोएस्ट क्या है, ये भी हवा का ही काम है। हवा क्या करती है, फाइन जो सैंड होती है, पतली पतली मिट्टी जो होती है, पीली पीली पतली सैंड, पतली मिट्टी, उसको दूर तक उड़ा के ले जाती है, उड़ा के ला के दूर एरिया में जाकर गिरा देती है और तब वो एरिया बन जाता है लोएस, वो ये कहलाता है लोएस। और वो एरिया ज्यादातर रेगिस्तानी एरिया होता है, सूखा सा डेजर्ट जैसा एरिया। जैसे ये जो है, ये तुम लोग को ठीक से उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे सब पीला पीला जैसा ही लग रहा है, असल में ये लोएस एरिया, यहाँ पे जो भी तुम देखोगे वो पूरा रेगिस्तानी रेगिस्तानी यू नो सैंडी सैंडी होगा, क्योंकि दूर दूर से आए हुए उड़ के जो फाइन सैंड है, फाइन मिट्टियां है, वो हवा के एजेंट कौन होता है, हवा, हवा के कारण उड़ के आके गिरकर इस तरह से वहां पर जमा हो जाती है और इसलिए ये फिर लोएस कहलाता है। तो ये हमारा यू नो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। मैं आशा करती हूँ तुम लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, समझ में आया है क्या, आया है, अच्छा। तो इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा इसका और भी डिटेल हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे और आने वाली क्लासेस में भी तुम और भी डिटेल में इनके बारे में जानोगे। तो आशा करती हूँ तुम लोगों ने हर एक टॉपिक को ध्यान से समझा होगा और
जब भी चाहोगे तुम लोग को लगता है इस चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन कर पाओगे थ्रू वीडियो क्लास। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास एक न्यू क्लास लेके आएंगे इस तरह से ही वीडियो क्लास। तब तक के लिए बाय।